दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या होता है और उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगर सालाना 6,000 रुपये का लाभ लेना है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको सिंपली गूगल में आना है और यहाँ पर आपको पीएम किसान सर्च कर लेना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको लाभ लेने के लिए यानी न्यू रजिस्ट्रेशन जो करने के लिए आपको आधार कार्ड होल्डिंग लैंड रिकॉर्ड यानी होल्डिंग और लैंड रिकॉर्ड और बैंक पासबुक, ये तीनों डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। आपको जो है इनका साइज सेपरेट सेपरेट यानी आपको पर आधार लैंड और बैंक पासबुक तीनों का सेपरेट लेस देन 2 MB का PDF फाइल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर CSC ID तो आप यहाँ से CSC लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर सभी PM किसान जो पुराने हैं उनको EKYC करना मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपके नज़दीकी सभी लोगों को PM EKYC कर लेना है यानी उनको इन्फॉर्मेशन दे देना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके आप जो है लोगों का EKYC कर देना है। देखिए, हम यहाँ पर इस वीडियो में फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको जिनका भी आप बनवा रहे हो उनका यहाँ पर आधार नंबर जो है फिल कर देना है। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर जो यहाँ पर फिल कर देना है, इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपका आधार से लिंक हो या ना हो कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है और गेट मोबाइल OTP इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो देखिए OTP जो है हमारे मोबाइल पे भेज दिया गया है, आपको यहाँ पर OTP फिल कर देना है 4 डिजिट का और यहाँ पर सबमिट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है वो कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, तभी आप जो है कैप्चर कर सकते हैं। यानी जिनका भी आप बनवा रहे हो या न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उनका यहाँ पे फिंगर ऑथेंटिकेशन यानी आपको कैप्चर करना है फिंगर। देखिए, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है एक्टिव हो जाएगा। उसके ऊपर फिंगर रखना होगा जिनका भी आप बनवा रहे हो, जैसे ही फिंगर रखेंगे कैप्चर कर लेगा और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए, ये कोड प्लग डॉट इन का यहाँ पे दोबारा से हम कैप्चर कर लेंगे। देखिए, इस तरह कैप्चर करने के लिए आपको कोड प्लग डॉट इन का रिचार्ज होना ज़रूरी है जो हमने वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपको देख लेना है तभी आपको इसका पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आधार से कुछ जो डिटेल्स है वो आ जाएंगे और बाकी का जो डिटेल्स है आपको फिल करना है। यानी आपको जो यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और आपका विलेज ये जो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका कैटेगरी कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फार्मर टाइप स्मॉल या अदर ज़्यादा है तो आप 2 हेक्टर से ज़्यादा है तो आप अदर्स में सेलेक्ट करेंगे। देखिए, और यहाँ पर आधार रहने दीजिए ना। उसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड जो है यहाँ पर फिल कर देना है उनका, जिनका भी आप बनवा रहे हो या रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। यहाँ पर बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर हस्बैंड नेम या फिर फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बात आता है आप हस्बैंड नेम के बाद, यहाँ पर देखिए हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम, यहाँ पर देखिए आपको जो बात आती है यानी बहुत से लोगों को दिक्कत आती है लैंड रजिस्ट्रेशन ID कैसे फिल करना है, ये कहाँ पर मिलेगा। आपको जो है इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पे जो है आपको यहाँ पर आपके होल्डिंग पे यानी
खाता नंबर यानी 712 के ऊपर जिनका भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उनका यहाँ पे खाता नंबर जो है यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन के इसमें फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको राशन कार्ड जो है राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और यहाँ पर आपको यहाँ पे यस या फिर नो कर सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पर आपका जो ओनरशिप है लैंड का वो सिंगल है तो आप सिंगल पे रहने देना है। अगर एक से यानी ज़्यादा नेम है यानी अगर दो तीन अगर ओनर है तो उसको जॉइंट में क्लिक करना है। देखिए जॉइंट में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड कर लेना है और उन सभी का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। हम यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल फिल कर देंगे। उसके बाद आपको सिंगल ओनरशिप है तो हम सिंगल पे सेलेक्ट करेंगे। अगर 712 में आपके सामायिक या फिर 3-4 जन है तो एक ही 712 में तो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर देखिए ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको खाता नंबर और यहाँ पे आपको कासरा नंबर और यहाँ पर आपका एरिया कितना है और यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन यानी आपका लैंड ट्रांसफ़र कब हुआ है 2019 से पहले हुआ है या बाद में हुआ है ये सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स यानी आपके किस रीज़न पे आपके नाम पर हुआ है ये फिल करना है। उसके बाद आपको लैंड डेट लिस्टिंग यहाँ पे जो डेट है वो फिल कर देना है जब आपके रजिस्ट्रेशन हुआ है तब का। देखिए उसके बाद आता है आपको ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है लैंड आधार और बैंक पासबुक आपको लैंड यानी आपका होल्डिंग या फिर 712 जो है उनका PDF बनवाना है जो 2 MB से कम हो साइज उनका। और यहाँ पे आधार जो है उसका भी सेम टू सेम यहाँ पे PDF फाइल बनवाना है जिनकी साइज़ यानी इसका साइज़ जो है PDF का 2 MB से ज़्यादा होना नहीं चाहिए ओके। और यहाँ पर बैंक पासबुक इसका भी सेम 2 MB से फाइल जो है वो ज़्यादा होना नहीं चाहिए ओके। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेव पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपको जो रजिस्ट्रेशन का एक ID जो है आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप जनरेट होगा जो आपको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट स्लिप जो है आप सेव करके रख सकते हैं या फिर आप प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। आपका जो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है उसका आप स्टेटस बाद में चेक कर सकते हो। देखिए पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके जो है आपका यानी रजिस्ट्रेशन का जो ID आपको देगा SMS के थ्रू आप इसमें जाकर भी आप भर सकते हैं आधार कार्ड के ऊपर से। इस तरह से जो है आप न्यू रजिस्ट्रेशन PM किसान का कर सकते हैं। धन्यवाद।